हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं वेज कीमा बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये तेल डाल दूंगी कढ़ाई में। अब तेल हम गरम होने देंगे। इसके बाद हरी मिर्च, ये देखिए। अब हम डालेंगे प्याज, छह से सात बारीक कटे हुए प्याज। अब प्याज को अच्छी तरीके से हम लाल होने देंगे। ये देखिए, आप हम देख सकते हैं प्याज अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। तो अब हम डालेंगे हल्दी, एकदम सिम कर दिया है, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, धनिया सॉफ्ट पाउडर। अब हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। हीट तेज नहीं करना है, सिम से मीडियम के बीच का हीट रखना है। ये देखिए, हमारा मसाला फ्राई हो चुका है। तो आधा फ्राई हम इसे सब्जी के साथ करेंगे, जो अभी हम यूज करने वाले हैं कीमा के लिए। तो ये देखिए, मैंने पहले ही थोड़ा सा बॉयल कर लिया था फूल गोभी को, तो वो मैं डाल रही हूँ। हाँ जी, ये मैंने फूल को भी पहले ही डाल लिया है। उसके बाद अब मैं डालूंगी शिमला मिर्च और गाजर, हाफ बॉयल किया है मैंने। शिमला मिर्च को मैंने बस फ्राई किया है, तो अब मैं डालूंगी गाजर हाफ बॉयल और शिमला मिर्च हाफ फ्राई। अब इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि गाजर आप डालें, गोभी डालें, उसको आप हाफ बॉयल कर लेना है आपको। तो अब हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए, फिर ज्यादा नहीं रखना है, नहीं तो जल जाएगा। अब हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। फिर मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे चीज, चीज डालेंगे, चीज। तो अब हम चीज को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और फिर से थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगा। सब पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा ही करना है। और हीट फास्ट कर देंगे और एक बार फिर से मिलाएंगे। अच्छी तरीके से और कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। इसको और 1 मिनट कवर करेंगे, उसके बाद मैं गैस बंद कर दूंगी। बंद कर दिया। ये आप लोग देख सकते हैं, हमारा वेज कीमा बनके तैयार हो चुका है। और अब मैं थोड़ा सा इसमें चीज़ और एक बार डालूंगी। तो ये बनके तैयार हो चुका है वेज कीमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।